वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक कोट ऑफ हेयर इट इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। अब ये कह रहा है आपको वूल की प्रोसेस है पूरी शीप से, जब उसमें अच्छे से पूरे हेयर आ जाते हैं, थिक कोट ऑफ हेयर, वो पूरा शीप जो है थिक कोट ऑफ हेयर से फुल हो जाता है, तो शेव्ड ऑफ मतलब उसकी शेविंग कर दी जाती है। जैसे मेल बाल हटाते हैं ना, ऐसी पूरी वही शेविंग मशीन होती है जिससे उसकी पूरी वूल हटा ली जाती है। और देखो ये जो वूल हटाने का प्रोसेस है ना, ये होता है समर में, विंटर में नहीं होता। अगर विंटर में करेंगे तो उसको ठंड लगेगी और वो तो मर ही जाएंगे, इसलिए ये समर में हटाते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द शीप बाय अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व वेरियस स्टेप्स। तो अब सारे स्टेप्स पढ़ोगे कि ये जो शीप का हमने पूरी शेविंग कर ली है ना, तो अब क्या क्या प्रोसेस है सारा कि जिससे हमें पूरा वो थ्रेड जो हम मार्केट में लेते हैं ना, वूल लेने जाते हैं, हमें वैसी वूल मिलती है। तो पहला प्रोसेस है शियरिंग फ्लीस यानी वही कोट ऑफ वूल ऑफ शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज पील्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप। शीप की बॉडी से ये पूरा का पूरा हेयर, पूरा का पूरा कोट जो है एक पतली थी स्किन की लेयर के साथ उतार लिया जाता है। इट इज डन विद अ रेजर और विद अ इलेक्ट्रिकल ड्रिवन शियरिंग मशीन। तो ये रेजर से या कोई मशीन आती है शियरिंग मशीन, उससे किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप इज कॉल्ड शियरिंग। और ये देखो पिक में भी दिखा रहा है वो शियरिंग उसकी पिक, उससे कैसे वो देखो कोट जो पूरा आपका फर है वो पूरा फ्लीस रिमूव हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं शियरिंग। शियरिंग डज नॉट हर्ट द शीप। अब कहते हैं जब शियरिंग करते हैं तो उससे शीप को कोई चोट नहीं लगती, बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ द शीप इज डेड। क्योंकि जो हम पतली सी ये लेयर हटाते हैं ना वो डेड होती है। शीप्स आर शियर्ड इन समर्स में सो दैट दे डू नॉट फील द हीट, ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। द हेयर ऑफ द शीप ग्रो वंस अगेन बिफोर द ऑनसेट ऑफ द विंटर। विंटर के आने से पहले ही ये हेयर्स उसमें वापस आ जाते हैं, एंड वही हेयर्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर से उसको बचाते हैं। नेक्स्ट आपका स्कोरिंग फ्लीस ऑफ शीप्स। अब देखो जो आपने ये सारा हटा लिया ऊपर का कोट जिसे हम फ्लीस कहते हैं, उसमें डस्ट डर्ट गंदगी होती है, ग्रीस, तो इसको आपको क्लीन करना है। कैसे करते हैं क्लीन? बाय वॉशिंग विद सोप और लॉट्स ऑफ वाटर इन अ टैंक। टैंक में ये देखो एक टैंक में इसने पानी डाल लिया 3.3 ए फिगर में, और उसमें वो फिर सोप डाल के इसको रिमूव कर रहे हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग। नाउअडेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स, और आजकल ये किससे की जाती है? मशीन्स से की जाती है। नेक्स्ट स्टेप इज सॉर्टिंग। After scouring, the wool is obtained or sorted into various categories on the basis of its quality. अब देखो जो वूल होती है ना उसकी क्वालिटी अलग अलग होती है, तो उसके बेसिस पे ना हम जो धागे हैं, जो भी ये वूल होती है उसको अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग मतलब अलग करते हैं अलग अलग उसमें। ओनली फ्लीस ऑफ लॉन्ग फाइन क्वालिटी सेंड टू फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोसेस। और जो इसमें से लंबे धागे निकलते हैं ना अच्छी क्वालिटी के, उसी को फर्दर फैक्ट्री भेज दिया जाता है आगे काम के लिए। अब यही द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द लॉन्ग फाइन क्वालिटी फ्लीस फ्रॉम द रिमेनिंग इन्फीरियर क्वालिटी और ब्रोकन पीसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। तो छोटे धागों में से, छोटे उसमें से थ्रेड्स में से बड़े को अलग करना, लंबे लंबे पीसेस को अलग करना जो है वो होता है सॉर्टिंग। नेक्स्ट है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग वही होता है जो हम अपने बालों में करते हैं, इसमें फ्लीस में भी वैसे ही कॉम्ब्ड करते हैं, और इसको बर रिमूव हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बर्स फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड कॉम्बिंग। ये वूल के ऊपर छोटे छोटे से स्फेरिकल बॉल टाइप आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे, और उन्हीं को हम कॉम्बिंग से रिमूव करते हैं। फाइबर्स जो हैं वो भी इस स्टेप में बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डाइंग, यानी अब पूरा थ्रेड आ गया, अब आपको जिस कलर में ज्वाइन उसको डाई करना है उस कलर में हम इसे इजिली डाई कर सकते हैं। द नेचुरल फ्लीस इज ब्लैक ब्राउन और व्हाइट होती है, तीन रंग की होती है। अब फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कॉम्बिंग आर डाइड इन वेरियस कलर्स। अब कॉम्बिंग के बाद जो हमारे पास फाइबर होता है उसे हम अलग अलग कलर में डाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पिनिंग। स्पिनिंग है स्ट्रेटन्ड फाइबर आर स्पन और ट्विस्टेड टूगेदर टू मेक यार्न। यानी ये वही है जो आपको मार्केट में मिलता है, जिसे हम कहते हैं ऊन का गोला, वो बनते हैं।
द वूल यार्न इज ईदर निटेड और वुवन. निटेड मतलब जो हम घरों में सिलाइयों से बुनते हैं, और वुवन मतलब मशीन पे. जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं वो तो निटेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स, और शॉर्ट के हम शॉर्टर फाइबर्स को हम करते हैं वुलन क्लोथ्स बनाने में. क्वालिटी की जो वूल होती है, वूल की क्वालिटी, वो हम इस बेसिस पे जज करते हैं कि उसकी मोटाई कितनी है, उसकी लेंथ क्या है, उसमें चमक कैसी है, मजबूती एंड फाइननेस ऑफ द फाइबर, कि वो कितना फाइन है, कितना गुड क्वालिटी, उसी पे डिपेंड, इन्हीं सब पे वूल की क्वालिटी डिपेंड करती है. अच्छा, इसमें डू यू नो बहुत इम्पॉर्टेंट है. देखो, तुमने अभी ये पढ़ा कि जो हम ये स्काउरिंग करते हैं उसमें वो डस्ट रिमूव करते हैं. जब ये इनमें डस्ट रिमूव करते हैं ना, तो इसमें एक बैक्टीरिया होता है, इसमें लिखा हुआ है ये बैकिलस एंथ्रासिस, ये बहुत हार्मफुल होता है, और ये सॉर्टर्स डिजीज, एंथ्रेक डिजीज करता है इन लोगों में जो इस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है. तो सॉर्टर्स डिजीज भी इसलिए कहते हैं, नाम तो वैसे एंथ्रेक्स है, लेकिन सॉर्टर डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है. ओके, ये देखो ऑक्यूपेशनल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि जो यहां पे इस इंडस्ट्री में इस काम में लगे होते हैं ना, उनको ये बीमारी हो जाती है, एंड दिस इज डेंजरस डिजीज.